राजनीति से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे निलंबित जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना। वीडियो संदेश जारी कर खुद को बेकसूर बताया, कहा मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा। प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो संदेश पर कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा वो एसआईटी जांच में सहयोग करें, हम इसका स्वागत करते हैं, कहा उन्हें वापस लाने के प्रयास किए जा रहे। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई की प्रज्वल रेवन्ना के वीडियो संदेश पर प्रतिक्रिया, बोले उन्हें एसआईटी के सामने आत्मसमर्पण कर कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक घमासान तेज, ओबीसी कोटे में 14 मुस्लिम जातियों को दिए जाने वाले आरक्षण की समीक्षा करने की भजनलाल सरकार कर रही तैयारी। पंजाब सरकार में मंत्री बलकार सिंह की आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर घमासान तेज, बीजेपी ने की आरोपी मंत्री को बर्खास्त करने की मांग, नौकरी के नाम पर युवती से वीडियो कॉल पर अश्लीलता। पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के कथित वायरल वीडियो पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी, कहा आपने जानबूझकर ऐसे लोगों को चुना। पंजाब बीजेपी उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने आप मंत्री के आपत्तिजनक वीडियो पर कहा ये उनकी पार्टी की विशेषता है, एक मंत्री की घिनौनी हरकत से लोगों में जाएगा गलत संदेश। वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में आया आरोपी मंत्री बलकार सिंह का बयान, सवाल पूछे जाने पर कहा इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वायरल वीडियो के बारे में जानकारी नहीं। पंजाब के मंत्री के कथित आपत्तिजनक वायरल वीडियो पर दिल्ली बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा की तीखी प्रतिक्रिया, पंजाब सरकार से पूछो आपके पास और कितने चरित्रहीन विधायक हैं। पंजाब के मंत्री बलकार सिंह के आपत्तिजनक वायरल वीडियो का राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया, कहा वायरल वीडियो की होगी जल्द खुलासा होगा। स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को कोर्ट से झटका लगा, 30,000 कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, अब हाई कोर्ट जाएंगे विभव। एनसीडब्ल्यू का दावा, स्वाति मालीवाल के सीएम आवास पहुंचने के बाद सीएम हाउस पहुंचे थे मुख्यमंत्री केजरीवाल के पीए विभव कुमार, आयोग ने ब्यौरा मांगा कि किसके निर्देश पर वो सीएम हाउस गए थे। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा विदेशी चंदे के साथ आप पार्टी के विदेशी कनेक्शन की भी जांच होनी चाहिए, बोले दिल्ली से बड़ा शराब घोटाला तो पंजाब में हुआ। जेएमएम से बीजेपी में आई सीता सोरेन के प्रचार में उतरी उनकी तीनों बेटियां, जनता के बीच जाकर अपनी मां सीता सोरेन को जिताने के लिए प्रचार कर रही, एबीपी न्यूज से कहा जनता का मिल रहा प्यार। कोर्ट से जुड़ी अहम खबरों की बात कर लेते हैं जिनके फैसले पर पूरे देश की नजर है सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम की ईडी हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ाई गई, ईडी ने आगे की पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि 3 दिन बढ़ाने का निवेदन किया था जिसे अदालत ने मंजूर किया। अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने का अनुरोध किया, केजरीवाल ने अपने वजन के 7 किलो कम होने का हवाला दिया, केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज, 30,000 कोर्ट ने खारिज की याचिका, अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे विभव कुमार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए मेरठ शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी, 1995 के एक मामले में रफीक अंसारी के खिलाफ जारी हुआ था गैर जमानती वारंट, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर ये गिरफ्तारी हुई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।